आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे काफी जो वुमेन्स होती हैं वो सर्च करती हैं, और आज के टॉपिक में मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो काफी आपको मोटिवेशन देगा, साथ ही साथ आपकी काफी हेल्प भी करेगा। तो फ्रेंड जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आज का जो टॉपिक है वो है पीसीओडी के ऊपर, यानी कि पीसीओडी में मैंने कैसे कंसीव किया और कितना इजीली मैंने कंसीव किया, और साथ ही साथ ये एक मिरेकल स्टोरी भी थी। तो फ्रेंड वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी जाकर वहां देख सकते हैं, बट मैंने सोचा कि एक और वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ कि कैसे कैसे मैंने कंसीव किया, कौन कौन से मैंने ट्रीटमेंट्स लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी है क्या और पीसीओडी में मैंने कैसे कंसीव किया। तो फ्रेंड्स पीसीओडी का जो पूरा नाम है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और यहाँ पे फ्रेंड मैं एक बार और बता देती हूँ कि ये जो पीसीओडी है ये इतनी बड़ी डिजीज नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीसीओडी जब जिसको होती है ना तो उसको शादी के बाद यही दिक्कत आती है कि वो कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी, उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि उनको पीसीओडी है और अब वो जो है आसानी से कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद आपके सामने एक सबूत हूँ कि मेरे को भी पीसीओडी थी और पीसीओडी में मैंने काफी अच्छे से कंसीव कर लिया और एकदम नॉर्मल मेरे को कंसीव हुआ था। उसमें थोड़ी सी डॉक्टर की मेडिसिन भी थी और साथ ही साथ कुछ मेरी लाइफ स्टाइल चेंजेस भी थे। तो कैसे कैसे था वो सब मैं आपको अब बताने वाली हूँ। फ्रेंड जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है आज के टाइम में काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आप मान लीजिए कि 100 में से 80% जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। शादी के बाद आजकल कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, और जिसका बहुत ज्यादा जो रीजन निकल कर आता है वो यही है कि उन गर्ल्स को या वुमेन्स को क्या है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम में, और इसका मतलब ये नहीं है कि इसके चलते आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके चलते भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं और ट्रीटमेंट से भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ तो फ्रेंड ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो काफी जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, उथल पुथल हो जाते हैं, अपना जो उनका फंक्शन होता है वो प्रॉपरली जो है उस फंक्शन को नहीं कर पाते हैं। और जो एक फीमेल के अंदर जो फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं, बट पीसीओडी जब उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो उस फीमेल बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा बनने लग जाते हैं। देखो पीसीओडी होने का जो मेन रीजन है उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज होना, यानी कि आज के टाइम में जो है लाइफ स्टाइल हमारी इतनी चेंज हो गई है, हम जंक फूड इतना खाने लग गए हैं, हमारा उठने का टाइम, सोने का टाइम सब कुछ बदल गया है, एक्सरसाइज के नाम पर हम कुछ भी नहीं करते हैं, और हर चीज हमारे सामने रखी होती है जिसके लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। पहले के टाइम में जो वुमेन्स थी वो काफी फिजिकल वर्कआउट करती थी, तो जो उनके पीरियड्स होते थे वो मंथली आते थे और उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होती थी। बट आज के टाइम में क्या ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, सबके साथ जो है ये पीसीओडी की प्रॉब्लम क्या है जुड़ने लग गई है। तो ये बहुत ही कॉमन है और इसमें आपको जो है इजिली कंसीव हो सकता है, इसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको सिर्फ अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को ही चेंज करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेल बॉडी होती है उनकी बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, एंड जो फीमेल बॉडी होती है उनकी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स ज्यादा होते हैं। बट फ्रेंड जब एक फीमेल में पीसीओडी की कंडीशन आती है तो क्या होता है, जो वो फीमेल बॉडी है उसकी बॉडी में फीमेल हार्मोन की जगह जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनने लग जाते हैं, जिसमें क्या होता है उसमें
में मेल वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी देखने को मिलते हैं, लाइक उनकी जो फेस में हेयर ग्रोथ होती है वो ज्यादा होने लग जाती है और उनका वेट बढ़ने लग जाता है, और सबसे बड़ा जो कॉज है वो है उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इररेगुलर हो जाते हैं, हर महीने टाइम पे नहीं आते हैं, तो और वुमेन जो है ओव्यूलेट नहीं कर पाती है और उनको कंसीव भी नहीं हो पाता है। तो पीसीओडी की कंडीशन में बेसिकली गाइस यही होता है कि मेल हार्मोन्स फीमेल बॉडी के अंदर ज्यादा बनने लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पीसीओडी की प्रॉब्लम मेरे साथ शादी से पहले थी, बट एक्चुअल में मुझे इसका पता चला था शादी के बाद, जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे और हमें कंसीव नहीं हो रहा था, देन हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट जब लेना चालू किया तो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं कि पहले रीजन क्या है पता करने का, क्या हमें प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने जब एब्डोमिनल सोनोग्राफी लिखी थी कि आपको ये करानी है, तो उसमें डिटेक्ट हुआ था कि मेरी जो ओवरी है उसमें छोटी 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 मल्टीपल साइज के सिस्ट हैं, और इनको हम कहते हैं पीसीओडी, क्योंकि पीसीओडी के केस में क्या होता है, जो एक फीमेल की ओवरी होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बनने लग जाते हैं। तो जब मेरा ये यूएसजी हुआ था तो उसमें ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, और तभी मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी नाम की एक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने मुझे वहां पे मुझे ये काफी रिलीफ दिया था कि आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस कुछ टाइम के लिए आपको अपने पीरियड्स रेगुलर करने के लिए हम जो मेडिसिन देंगे वो टाइम टू टाइम लेना है, उसके बाद 3 महीने के बाद जो है हम आपको कंसीव करने के लिए मेडिसिन देंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मुझे ना 3 मंथ्स की मेडिसिन दी थी पीरियड्स को कंटिन्यू करने की, और उस टाइम पे मैं अपनी तरफ से भी एक्सरसाइज करती थी, और जो रस्से टप्पा वाली एक्सरसाइज होती है वो जो हमारे बचपन का खेल होता है उसी को मैं करती थी, और उसी में जो है काफी एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाती है। तो उस 3 मंथ तक क्या है मैंने वो चीज करी, क्योंकि 3 मंथ तक डॉक्टर ने बोला था कि आपको कंसीव करने के लिए ट्राई नहीं करना है, सिर्फ अपने पीरियड्स को रेगुलर करना है। तो मैंने भी ऐसे ही करा, 3 मंथ्स तक मैंने पीरियड्स जो है कंटिन्यू आए, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे क्या है कंसीव करने के लिए मेडिसिन दी, और साथ ही साथ फॉलिकल स्टडी भी मेरी होती थी। बट सीरियसली गाइस, मैंने इस बीच में कभी भी एक बार भी कंसीव नहीं किया, क्योंकि जब मेरी फॉलिकल स्टडी होती थी तो उसमें दिक्कत ये आती थी, जो मेरा फॉलिकल है वो दवाई खाने के बाद भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता था, उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो स्पीड में होती थी, बहुत ही जैसे कहते ना कछुए की चाल होती है, इतनी ज्यादा स्लो स्पीड थी। तो वो दवाई खा के मेरा जो फॉलिकल है वो ग्रो नहीं करता था, तो जो फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, रैप्चर नहीं होगा, तो मुझे कंसीविंग होगी कहाँ से। तो मेरे साथ दिक्कत यही थी कि मेरा फॉलिकल मेडिसिन की हेल्प से भी अच्छे से स्पीड में ग्रोथ नहीं कर पाता था। 3 मंथ तक भी डॉक्टर ने मुझे क्या है कंसीव करने के लिए मेडिसिन दी थी, और 3 महीने तक मेरी फॉलिकल स्टडी चली थी, और उसमें मेरा एग ही ग्रोथ नहीं कर पाता था। तो मैंने क्या करा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट छोड़ा, फिर मैंने IUI का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैंने IVF का ट्रीटमेंट लिया, बट दोनों ही ट्रीटमेंट क्या है मेरे केस में फेल हो गए थे। उसके बाद मैंने 2-3 महीने क्या है IVF जो मेरा फेल हो गया था, उसके बाद मैंने कुछ मंथ्स क्या है छोड़ दिया कि अब कुछ मंथ्स हमें रेस्ट लेना है और कहीं से कोई इलाज नहीं लेना है। देन किसी ने मुझे सजेस्ट करा था कोई डॉक्टर, उसके बार बार कहने के बावजूद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, IVF तो मेरा फेल हो गया है, और IVF की नेक्स्ट साइकिल में अभी मेरे को 1 ईयर का गैप लेना है, तो क्यों ना 1 ईयर के गैप में मैं एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो मुझे सजेस्ट किया जा रहा है मैं वो ले लेती हूँ। तो उन डॉक्टर्स से मैंने ट्रीटमेंट लेना क्या चालू कर दिया, बट उन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर ने भी मेरी जो है फॉलिकल स्टडी मुझे करवाई, और मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मेरे केस में क्या होता है कि अगर आप मुझे कंसीव करने की मेडिसिन देते हैं तो मेरा जो फॉलिकल है वो स्पीड में ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो उन डॉक्टर ने मुझे 1st मंथ की साइकिल में नॉर्मल मेडिसिन जो होती है लैट्रोगल, वो मेडिसिन मुझे दी थी और फॉलिकल स्टडी के लिए कहा था। तो जैसे कि मेरे को पता था कि फॉलिकल ग्रोथ करेगा ही नहीं, तो जब फॉलिकल स्टडी हुई मेरी तो मेरा जो फॉलिकल था वो 9 mm की ही उसमें ग्रोथ में क्या है स्टॉप हो गया था, इससे आगे वो नहीं बढ़ा था। और उसके कुछ टाइम काफ़ी टाइम के बाद मुझे फिर पीरियड्स आ गए थे, फिर डॉक्टर के पास मैं पीरियड्स के 2nd डे गई, तो उस समय क्या होता डॉक्टर ने मुझे लैट्रोगल मेडिसिन के साथ साथ
इंजेक्शन भी दिए थे और वो इंजेक्शन का नाम था HMG। तो HMG क्या करते हैं, आपके फॉलिकल को ग्रोथ होने में, ओविलेट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे लैट्रोजर की मेडिसिन प्लस वो HMG के जो 3 इंजेक्शन होते हैं वो दिए थे और फॉलिकल स्टडी कराने के लिए कहा था। तो जब मेरी फॉलिकल स्टडी हो रही थी तो जो लास्ट मेरी सिटिंग थी फॉलिकल स्टडी की, और उस सिटिंग में जो मेरा फॉलिकल का साइज था वो था 13 mm पॉइंट कुछ था, यानी कि लास्ट सिटिंग में 13 mm का साइज था। उसके बाद मेरी कोई सिटिंग नहीं होनी थी, तो फिर डॉक्टर से हमने पूछा, उनको फोन करके बताया, तो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक मिरेकल क्या हुआ कि जब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको पीरियड्स हो जाएंगे, तो हमारा जो मेरा जो स्ट्रेस लेवल था ना वो बहुत ही डाउन हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीरियड्स आ जाएंगे। तो अब जब हम ट्राई करते थे तो उस समय हमारे दिमाग में ये नहीं आता था कि हमको बेबी के लिए ट्राई करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में उस समय ये था कि हमको पीरियड्स आ जाएंगे। तो सिर्फ हाँ, हमने डेली ट्राई करना क्या है स्टॉप कर दिया, अल्टरनेट डेज पे हम ट्राई करने लग गए और बिना ये सोचे कि हमें कंसीविंग होगी, हम वेट करने लग गए बस पीरियड्स के आने का। तो उसी मंथ गाइस मेरे साथ ही मिरेकल हो गया था, और इसके थ्रू मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि PCOD में आपको कंसीव नहीं होगा, ये भ्रम आपको अपने अंदर लाने ही नहीं देना है। और सबसे बड़ा है कि अगर PCOD में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है तो, और आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने जो स्ट्रेस है उसको आपने आप से दूर रखना है। सबसे बड़ा काम आपने यही करना है कि अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसको एकदम दूर रखना है। देन आप ट्राई जब करोगे तो आपको 100% जो है कंसीव हो जाएगा। हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, बट आपको PCOD में जरूर कंसीव होगा। एंड फ्रेंड, जिस मंथ मुझे कंसीव हुआ था उस मंथ में मैंने जो एक्सरसाइज की थी, बटरफ्लाई वाली जो एक्सरसाइज थी वो मैं करती थी, क्योंकि वो एक्सरसाइज मुझको काफी इजी लगती थी, और भी एक्सरसाइज मैं करती थी, बट जब भी मैं बैठती थी बटरफ्लाई करने लग जाती थी। बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज जो कि काफ़ी हेल्प करती है आपकी PCOD में, तो वो एक्सरसाइज करती थी। साथ ही साथ मैं रस्सी टप्पा, जैसे कि आपको बताया, वो भी करती थी ताकि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो। बट आप जिस मंथ आप ट्राई करते हो उस टाइम पे या उस मंथ पे आपको ये जो है एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमको कंसीव हो भी जाता है, बट वो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो वो हमें मिसकैरेज भी हो जाता है। तो जब आपको डॉक्टर आपकी पीरियड्स रेगुलर करने के लिए बोलते हैं कि आपको 3 या 6 महीने आपको पीरियड्स रेगुलर करने हैं बस, और आप अगर उस टाइम पे ट्राई नहीं करना चाहते तो आप क्या है इन एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। बट जिस मंथ आप ट्राई कर रहे हो उस मंथ में ये हार्ड जो एक्सरसाइज होती है उनको एकदम अवॉइड करना है। तो फ्रेंड, मेरे केस में यही हुआ था कि मुझे PCOD थी और मेरे फॉलिकल की ग्रोथ इतनी स्लो थी कि मेरे को अपनी फॉलिकल की, जब मेरी स्टडी होती थी वो फॉलिकल की ग्रोथ देख देख के मुझे ना रोना आता था कि इतनी दवाइयाँ, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन के बाद भी इतनी स्पीड, इतनी स्लो कैसे हो रही है इनकी। तो बट मेरे साथ मिरेकल क्या हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे न्यू ईयर पे ही ये गिफ्ट मिला था कि मेरे को मेरी प्रेगनेंसी जो मैंने किट से चेक करी थी तो उसमें 2 लाइंस जो थी एकदम डार्क रेड लाइन आई थी, तो वो काफी बड़ा गिफ्ट था न्यू ईयर का मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी PCOD है तो PCOD में आप भी कंसीव कर सकते हैं मेरी तरह, बट आपको ना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अपनी तरफ से चेंज करना है। अगर आपका वेट PCOD की वजह से काफी बढ़ गया है तो उसमें आप क्या है 5 या 6 किलो भी अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर देते हैं तो वो भी काफी हेल्प करता है, उसमें भी आपको फिर जो कंसीविंग होती है वो फटाफट से हो जाती है। मेरे केस में जब मुझे PCOD थी और PCOD का जो सिम्टम्स मेरा क्या था, मेरे जो पीरियड्स थे वो काफ़ी इरेगुलर थे, 2-3 मंथ्स के गैप में आते थे, और साथ ही साथ मेरी जो स्किन थी वो ऑयली थी। तो PCOD के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये इनकी वीडियो भी मैंने सेपरेटली बनाकर रखी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बट मेरे क्या सिम्टम्स थे, मेरे सिम्टम्स यही थे कि मुझे PCOD में इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम थी और मेरी ऑयली स्किन थी और मेरा हेयर फॉल होता था। जब मेरे को PCOD शादी से पहले थी, हेयर फॉल मेरे तब से होता था, बट मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि मेरे को PCOD की प्रॉब्लम है। ये सब तो फिर शादी के बाद पता चली, तब जाके पता चले कि ये सब जो सिम्टम्स थे वो मेरे साथ पहले भी होते थे बट मैंने उनको नज़रअंदाज किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और आपको पता नहीं है कि आपको PCOD है, तो इन
सिम्टम्स के थ्रू भी जो है आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आपको भी कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड्स, आपको पीसीओडी के प्रॉब्लम में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होगी पीसीओडी के चलते। पीसीओडी के चलते भी आपको नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 13 mm के फॉलिकल साइज में मैंने कंसीव किया था। अब उसको आप कैसे भी लगा सकते हो, आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी लगा सकते हो या गॉड का एक मिरेकल भी आप कह सकते हैं, कुछ भी वो चीज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। 13 mm के फॉलिकल साइज में मैंने कैसे कंसीव किया, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जल्दी से वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।